नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो दिन से दोनों पक्ष पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहरहाल ये मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में है। अब जांच में क्या कार्रवाई होती है आने वाला समय ही बताएगा। आपको ले चलते हैं घटनाक्रम में। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता अजय लक्ष्मी मिश्रा आज पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि उसके जेठ और जेठानी ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है तथा जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को पत्र देने आए कप्तानगंज थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता अजय लक्ष्मी मिश्रा ने TV20 न्यूज संवाददाता को बताया कि 10 नवंबर को अपनी बहन की बेटी के साथ अपने बच्चों को दवा लेने बाजार गई थी। उस समय संपत्ति विवाद को लेकर ससुरालजनों ने उसके कमरे के गेट में ताला बंद कर दिया और कहा कि जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब मैंने कारण पूछा तो इन लोगों द्वारा मुझे मारा पीटा गया। पीड़िता ने अपनी बहन की लड़की दिव्या मिश्रा को साथ लेकर थाने गई। वहां विरोधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। क्या कुछ कहा और अजय लक्ष्मी मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। तो वही दूसरी तरफ पीड़िता की बहन यानी पीड़िता की बहन की लड़की यानी दिव्या मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि मैं पुलिस अधीक्षक से इस बात को बताने आई हूँ कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसकी हकीकत कुछ और है। क्या कुछ कहा खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय लक्ष्मी मिश्रा। आज SP ऑफिस आई है, क्या मामला था आपका? मामला ये है कि सर, कि हमारी बहन की बेटी दिव्या के ऊपर हमारे जो पटीदार भावेश मिश्रा है, हमारी देवरानी जेठानी मंजू दुर्गेश मिश्रा नीला मिश्रा, इसके ऊपर दोषारोपण लगा रही है कि ये मुझे बढ़ावा देती है, बहकाती है। सर आज तक जो है हम मतलब 20-21 साल हो गए उस घर में रहते हुए, मुझे आज तक मुझे कोई बहकावा नहीं मिला। अब 2-4 महीने से जब हमारा मामला जो है इस सिलसिले से चल रहा है तो दिव्या हमें बहकाएगी? बताइए, मैं कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं कि जो मुझे यह बढ़ावा दे रही है। ये लोग इतने दुष्ट किस्म के प्रवृत्ति के आदमी हैं हमारे जेठ भावेश मिश्रा कि कहीं भी मैं पास पड़ोस में भी बैठ जाती हूँ वहाँ भी बैठने पर मुझे आपत्ति जताते हैं कि वो मुझे भड़का रहे हैं। और जब मैं हमारी बेटी हमारी मदद के लिए आती है तो उसको मारने के लिए स्वयं दौड़ते हैं, उसको जो है भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। और सर ये बताइए कि जब हम अपने घर में एक कमरे में खुद रह रहे हैं तो वहाँ किस गुंडा नाबालिग को हम सुलाएंगे? आप ही बताइए। कहते हैं कि दिव्या जो है 4-6 लड़कों गुंडों को लेकर के हमारे घर में सोती है, उसकी माँ सोती है। सर जब हम अपने घर में खुद नहीं रह पाएंगे तो हमारी बहन या हमारी लड़की क्या गुंडो नाबालिग को सुलाएगी? आए दिन हमारे घर का ताला 100 नंबर खुलवाती है। क्या चाहती हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा 1/4 हो गया है, बंटवारा हो गया है चारों लोगों में, और उनकी भैया दुर्गेश मिश्रा ये कह रही हैं कि अभी हमारा बंटवारा नहीं है, समझौते के आधार पे हम लोग एक घर में रहते हैं, तो इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए, इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है इसकी जांच करवा करके जो अपराधी हो उसको कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? राम क्या मामला हुआ है? आज SP ऑफिस आई हैं आप? पता साहब से आए हैं, मिले हैं। कल हमारी विपक्षी पार्टी आई थी, मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रही है कि मैं डंडे से उनको मार रही हूँ, जो कि डंडे से मैं नहीं मार रही हूँ, डंडे से वो लोग उधर से मारे। और वही डंडा जब मैं उतरने लगी घर के नीचे जाने लगी अपनी गाड़ी के पास, वही डंडे से खींच के मुझे भावेश मिश्रा मारे, वही डंडा मैं अपने हाथ में ली हूँ और उधर की मुझे उधर से फिर मारने की कोशिश करने लगे, वही डंडा लेके मैं मतलब उनको मारने के लिए गई, लेकिन ना कोई मार खा ना किसी को चोट आई। उसके बाद जो वीडियो में एक लड़का दिख रहा है, मेरा भाई है, वो भी बचाव कर रहा है दोनों लोगों का, और आरोप लगाती है कि सब गुंडे लेके आते हैं मारने के लिए। तो वीडियो में हम ये कर रहे हैं कि वो वीडियो में दिखाया जाए ना कि कौन गुंडा है, कितने गुंडे वहाँ आए। कहते हैं घर में लेके गुंडा सोती हैं, तो ठीक है। एक तो हमारे पास इंस्पेक्टर साहब की रिकॉर्डिंग है, जितनी बार हम पुलिस बुलाए हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब की, और 112 की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो ये बताइए, जब ताला खुलवाया जा रहा पुलिस के माध्यम से दोनों टाइम घर का, तो गुंडा किसका? जिसके पास चाबी रहे गुंडा उसका घर में सोता है कि जिसके पास चाबी नहीं रहती गुंडा उसका घर में सोता है? तो मेरी मौसी खुद घर में जगह अपने पा नहीं रहे, गुंडों को कहाँ से सिलाएंगे?
काला चाबी वो लोग रखती हैं, रात में 12-1 बजे वो लोग छोड़ती हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में ही बताई कि काला चाबी उनके पास रहता है। आए दिन मेरी मौसम से मार, मेरे भी साथ उनका लड़का जो है हरिंदर मिश्रा, वो भावेश मिश्रा का लड़का है, मेरे साथ वो अभी पिछले 25 दिन पहले जो है हाथापाई किया था, मेरे साथ बदतमीजी किया था। मैंने उसका अप्लीकेशन कप्तानगंज इंस्पेक्टर को दिया था, तो दिन कुमार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और बोले ठीक है देखते हैं बताते हैं। और आप बताइए कि क्या नाम है, हर बार मतलब मेरा नाम है, मैं इतनी दबंग हूँ अगर तो इसका मतलब विपक्षी पार्टी मुझसे भी दबंग है, जो मेरे इतनी दबंगई होने के बाद। देखिए आरोप लगाना अलग बात है, किसी के ऊपर आरोप हम किसी को कुछ भी लगा सकते हैं, हम भी कह सकते हैं भावेश मिश्रा के घर में बम बनता है, उनके घर नोट छापने वाली मशीन है, लेकिन साबित करना बहुत बड़ी बात है ना। तो मुझे कहते हैं मैं कट्टा पिसल लेके चलती हूँ, तो साबित करें उसको मैं कट्टा पिसल लेके चलती हूँ और मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ। गाड़ी की बात रही तो मेरी गाड़ी, मेरे रिश्तेदार के मेरे भाई साहब पुलिस में हैं, मेरे रिश्तेदार के लड़के हैं, तो गाड़ी उस वो भी चलते हैं, मैं भी गाड़ी चलती हूँ, तो स्टीकर उन्होंने लगवाया मैं नहीं लगवाई हूँ। तो इसमें वो बार बार आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि न्यायिक जांच बिठवाई जाए, दोनों पार्टी को मीडिया के सामने प्रशासन के सामने प्रस्तुत किया जाए, दोनों पार्टी अपना अपना साक्ष्य दे, जो गलत पाया जाएगा वो कड़ी से कड़ी दंड उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कप्तान साहब से ही हमारा निवेदन है। अभी आप पुलिस अधीक्षक से मिली हैं, क्या कहें? कुछ नहीं, वो बोले हैं कि ठीक है बेटा मैं जांच करवाता हूँ इस मामले की, क्या सही है क्या गलत है मैं इसको दिखवाता हूँ। विपक्षी पार्टी ये कहती है कि जो इनके पटीदार हैं वो आप जो है कि बढ़ावा दे रही हैं और जो है कि जमीन में बिकवाने का कोई मामला है। इससे भी मैं सर बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने आरोप लगा कि मैं बढ़ावा देती हूँ, 2019 में मैं लखनऊ रहती थी, 2019 में मेरी मौसी के साथ अजय लक्ष्मी मिश्रा के साथ भावेश मिश्रा ने छेड़खानी किया था। 2019 का मामला अभी भी मेरे पास है, मैं आपको फोटो दे दूँगी दिखा दूँगी, उसमें क्या नाम है छेड़खानी का आरोप लगा, जिसको स्थानीय जो थाना कप्तान गंजा प्रभाव में आके उस मामले को 151 की धारा दे दी और इनका जमान अभी 10 दिन पहले सर इनका 151 में चलान एक बार हुआ था 20 बचाव के लिए। आए दिन ये मनमड़ी करते, शकल से ही वो आदमी बदतमीज टाइप का गुंडा टाइप का है, वो शकल उसकी देखे देखने पर बहुत मनबड़ बहुत दबंग टाइप। आजमगढ़ की अथरौलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अथरौलिया राजेश कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के यूनियन बैंक अथरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, समिति यूनियन बैंक, लोहरा बढ़ाया, मदियापार, बांसगांव बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बैंक के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता, पुलिस तथा कार्ड, ड्यूटी, बैंक रजिस्टर तथा बैंक के अंदर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों तथा होमगार्ड को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया गया कि बैंक के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों की निगरानी अवश्य करें, बिना नंबर प्लेट की खड़ी गाड़ियों की जानकारी हासिल कर सूचित करें, बैंक के अंदर तथा बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता सही हो, वहीं बैंक परिसर में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल थाने को सूचित करें। बैंक चेकिंग के दौरान सभी प्रमुख बैंकों में अफरा तफरी का माहौल बना रहे तो वहीं बैंक परिसर में और बैंक परिसर के बाहर अनावश्यक घूम रहे लोगों से भी पूछताछ किया गया। आजमगढ़ की अथरौलिया थाना क्षेत्र के रामपुर खास के रहने वाले रमेश कुमार एडवोकेट ने थाने अथरौलिया पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि भीखपुर निवासी कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ काली गलौज की और मारपीट करके उनके 10,000 रुपये छीन ले गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि दिनांक 17 नवंबर को उनका ट्रैक्टर और थ्रेसर धान की मड़ाई करने हेतु में सुपुत्र शिवनाथ निवासी भीखपुर से गई थी। उसी गाँव के निवासी कुछ लोग जो दबंग हिस्ट्री सीटर किस्म के हैं उनके द्वारा मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज की गई, साथ ही उस दूसरे साथी मुझसे 10,000 रुपये भी छीन लिए गए। अब दबंगों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस संबंध में जब थाना अध्यक्ष अथरौलिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी तक मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि थाने पर ऐसा मामला आया होगा तो अवश्य जांच के आकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुनाते हैं कि पीड़ित रमेश कुमार एडवोकेट ने क्या कुछ कहा। परिचय बताइए भैया। हम रमेश कुमार निषाद एडवोकेट, जी। घटना क्या हुई आपके साथ? घटना हमारी गाड़ी आज सुबह भीखपुर धान की मड़ाई करने गई थी। भीखपुर के निवासी आशिफ और दीपू दो अज्ञात व्यक्ति लोग, मौके पर 4 लोग गाड़ी पे गए, वहाँ हल्लाबाजी हुई, वहाँ पे 10,000 रुपया लेकर वो लोग चले गए। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी हमारे भाई चला रहे थे। अच्छा अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने पर दिया है? जी, थाने पर इसकी शिकायत आपने दिया? थाने पर आरज दिए। क्या सोर्स मिला? वहाँ पे गए कि हम जांच करेंगे, इसके बाद कार्रवाई। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।
आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वर्णकार समाज के लोग प्रदेश भर से आए हुए थे, जिन्होंने रामाश्रय विश्वकर्मा से मिलकर कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस बार अखिलेश की सरकार का नारा देते हुए सभी स्वर्णकार समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम विश्वकर्मा भवन नरौली आजमगढ़ पर संपन्न हुआ, जहां पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की बैठक की गई, जिसमें कई जिलों के स्वर्णकार समाज के नेता शामिल हुए और सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार को बनाना है, जिससे स्वर्णकार समाज, विश्वकर्मा समाज, शिल्पकार समाज, ताम्रकार समाज और लौहकार समाज जो अति पिछड़े और सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं, उनकी भागीदारी से अखिल यादव के हाथों को अखिलेश यादव को मजबूत करना है, जिससे समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्णकार प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज कन्नौज, शिवशंकर वर्मा, प्रयागराज पूर्व मंत्री अच्छेलाल सोनी कुशीनगर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और आजमगढ़ को और मंडलीय संयुक्त विकास आजमगढ़ को अच्छे और सराहनीय कार्य द्वारा पूर्व मंत्री अच्छेलाल सोनी देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार को सम्मानित भी किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के वरिष्ठ नेता शिवशंकर वर्मा ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ विश्वकर्मा भवन पर स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह वर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री अच्छेलाल सोनी जी और पूर्व हमारे जो है श्री शिवशंकर वर्मा जी जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, सभी लोग आज यहाँ पर आए स्वर्णकार समाज के विकास के लिए, स्वर्णकार समाज की सुरक्षा के लिए, स्वर्णकार समाज को सत्ता और सरकार में भागीदारी देने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर विचार विमर्श किया है। जनपद के भी गुट्टू वर्मा जी हैं और सम्मानित स्वर्णकार समाज के और विश्वकर्मा समाज के संरक्षक श्री अशोक वर्मा जी भी यहाँ पर हैं। हम सभी लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, विश्वकर्मा समाज और स्वर्णकार समाज को उनमें भागीदारी देने का काम करें, क्योंकि जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी समाज को तब तक समाज न आगे बढ़ सकता है और न मजबूत हो सकता है, न नौजवानों के लिए नौकरी रोजगार का प्रबंध किया जा सकता है, न समाज की सुरक्षा और सम्मान दिया जा सकता है। आज पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के ऊपर, स्वर्णकार समाज के ऊपर अत्याचार और पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। लगातार हत्याएं हो रही है, डकैती पड़ रही है, लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बहुत बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और भाजपा पार्टी उत्तर प्रदेश। हाँ, हम लोग आए थे अपने विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने, जिनका हमारे समाज के पांचों जातियों का जोड़ने का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे ये 10 साल के मैं इनके साथ कोषाध्यक्ष रहा हूँ और इन्हीं की प्रेरणा से अब हम लोग स्वर्णकारों को जगाने का काम कर रहे हैं, प्रदेशों में घूम रहे हैं और ये मंत्र अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी ने हम लोगों को दिया था कि आपका समाज 90% वोट बीजेपी को देता है, आप अपने समाज में घूमिए और हमारी झोली में सिर्फ 10% वोट तोड़ कर डालिए, वो प्लस माइनस में 20% होगा और 20% वोट हमारे बहुत काबिलियत के लिए होगा और हमारे जनहित में होगा और आपके समाज के जनहित में होगा। आप इतना कीजिए, हम आपको, आपके समाज को अगर हमारी सरकार आई, हर प्रकोष्ठ में, हर संगठन में हम उनको जगह स्थान देंगे, टिकट लेके चुनाव लड़ाने का भी काम करेंगे। हमारे नेता की करनी कथनी में कोई अंतर नहीं होता और जागरूकता वो हम हर जिले में जा रहे हैं, करीब हम लोगों ने 35 जिला कर लिया। महीनगर के स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा के पश्चिमी भाग पर स्थित मंडलेश्वर महादेव स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा यानी शुक्रवार के दिन लगने वाले ऐतिहासिक मेला की तैयारियां पूरी। मेला कल होगा। बताते चलने कि मंडलेश्वर महादेव स्थित सरोवर 365 बीघा भूभाग में फैला हुआ है। सरोवर में 5 सोमवार डुबकी लगाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने में चरमुख से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि गन्ने के खेत में मूस लगते हैं तो शंकर जी के दरबार 5 पीस गन्ना किसानों द्वारा चढ़ाने से नहीं लगते हैं। मेले में गैर जनपदों के दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं। जिले के अलावा आसपास
जनपदों में भी लोग आते हैं। स्नान दान करने के बाद मेले में लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। मेले के दौरान साफ सफाई ग्राम प्रधान द्वारा कराई जाती है। इस बाबत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र यादव ने बताया कि मजदूरों के सहयोग से मेला स्थल के सभी जंगली कटीले व बुलकुस घास की कटाई करा दी गई है। मेला स्थल पर जाने के लिए दो मुख्य रास्ता था, एक पीच दूसरा खड़ंजा, तो खड़ंजा पूर्ण रूप से खराब हो गया था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा खड़ंजा लगाया गया है ताकि दूरदराज से आने वालों को दिक्कत ना हो। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां राजकीय बीज भंडार पर गेहूं का बीज न मिलने से जहां किसान परेशान है, वहीं लाख दावे के बाद भी एग्रो केंद्र से डीएपी खाद के लिए किसानों को वापस जाना पड़ रहा है। एग्रो केंद्र पर 50 क्विंटल गेहूं उपलब्ध है, लेकिन खाद सितंबर माह से अब तक नहीं आई। वहीं डीएपी के लिए पूरे पूर्वांचल में मारामारी मची है। कई जगह किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। विभाग द्वारा दावा कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है खाद। वहीं सात धन सहकारी समितियों की हड़ताल भी अब समाप्त हो चुकी है, फिर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान निजी दुकानदारों पर 1400 रुपये बोरी डीएपी बेचने का आरोप लगा रहे हैं। रवि की बुआई प्रभावित होने से किसान निजी दुकानदारों के यहाँ से 1360 रुपये में डीएपी खाद खरीदने को मजबूर हैं। आज सुनाते हैं कि अतरौलिया इफको के प्रोफाइल डॉक्टर आर डी राय और किसानों ने क्या कुछ कहा। आर डी राय, आप इफको पे किस पद पे हैं? कैंप प्रभारी। ये आज रवि फसल के लिए आपके पास क्या क्या चीज उपलब्ध है? गेहूँ का बीज इस समय उपलब्ध है। गेहूँ का कौन सा गेहूँ है? SD2967। डीएपी आपके पास उपलब्ध है? डीएपी तो मान के चलिए अक्टूबर के लास्ट में खत्म हुई है। अभी किसान आपके पास कितने आ रहे हैं? किसान के नहीं आ रहे हैं? किसान दो चार आ रहे हैं। तो केवल गेहूँ मिल रही है? हाँ, गेहूँ को मिल रहा है। जो ले जा रहे हैं, जो नहीं ले जा रहे हैं। कोई खाद आपके यहाँ आ रही है, इसके दिया जा रहा है? हाँ, आने वाली खाद है, रेक लगने के बाद ही खाद जो है उठेगी डीएपी। हमारा नाम राम लोट है। कहाँ के निवासी? गणपतपुर। आज आप इफको पे आए थे खाद लेने? खाद मिली? खाद नहीं मिली। क्या कह रहे हैं इफको वाले? खाद है ही नहीं है। तो आप लोग खाद प्राइवेट लेने जा रहे हैं, कितने पड़ रही है? प्राइवेट 1360 रुपये पड़ रही है। 1360 रुपये की। योगी सरकार दावा कर रही है कि हर केंद्र पे खाद उपलब्ध है, इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में खाद नहीं उपलब्ध, कहाँ देंगे? आपके क्षेत्र में खाद कहीं उपलब्ध नहीं? कहीं नहीं उपलब्ध। जयराम गिरी। कहाँ के निवासी हैं? आप एक किसान हैं, ये डीएपी खाद आपको मिली है सरकारी किसी भी तौर से? सरकारी ना मिली। प्राइवेट आप खरीदे हैं? कितने खरीदे हैं? 1350। आजमगढ़ सगड़ी तहसील पर 26 अक्टूबर से अधिवक्ताओं और उपजिलाधिकारी से विवाद हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी कोर्ट का खुलेआम बहिष्कार कर रखा है और उपजिलाधिकारी सगड़ी और गौरव कुमार के स्थानांतरण तक कोर्ट नहीं चलने देने की चेतावनी दे रहे हैं। इसको लेकर आज भी अधिवक्ताओं विरोध जताते हुए नारेबाजी की। संबंध में अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वकीलों के साथ उपजिलाधिकारी द्वारा अभद्रता की गई, बार बार समझाने के बाद वो नहीं मान रहे हैं और ना ही माफी मांग रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि वह माफी मांग ले और पुनः कोर्ट का संचालन सही ढंग से चलने लगेगा। पर परिसर में फोर्स बुलाकर जबरदस्ती कोर्ट चलाना, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए बिजली कटवा देना और सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्य कोर्ट का संचालन करने के लिए कह देना आदि आरोप लगाते हुए उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया। जबकि उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बार बार अधिवक्ताओं से वार्ता के लिए बुला रहा हूं, पर वार्ता करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहा अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और एसटीएम सगड़ी, आपको सुनवाते हैं। सगड़ी में अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है पूरा सर? आप लोग आए हैं, आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे सर, क्या मामला हमारा शुरू हुआ? हमारे एक अधिवक्ता हैं जयराम प्रसाद यादव, जिनको इन्होंने घटना के 10 दिन पहले कोर्ट में बेइज्जत किया, तुम तड़ाम किया, वकालत जटिल कर दूंगा, भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हमारे अध्यक्ष जी हम लोगों को कहे कि नहीं जाने दीजिए, सब लोग कहेंगे कि हम हड़ताल करके बदनाम होंगे। उसके 8, 7 या 10 दिन बाद हमारे एक अधिवक्ता हैं महेंद्र प्रसाद, जिनको आपा अपना खोते हुए क्या नहीं कहे, तुम तड़ाम से बदतमीज, यहाँ तक कि अपने गार्डों को बुलवा कर इन्होंने बाहर निकलवाने तक का प्रयास किया। वो तो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे, किसी प्रकार से मामला को शांत कराए। इतना दुर्व्यवहार ये करते हैं कि कोई अधिवक्ता इनके न्यायालय में इनके रहते काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या मांग है आपको? ये जिला बदर किए जाएं, इनको भेजा जाए। मेरे समझ से तब उत्तर प्रदेश में कोई इनको एक्सेप्ट वकील या अधिवक्ता नहीं करेगा, क्योंकि इनकी तुच्छ मानसिकता है। जैसे आज़ादी के बाद जब से यह तहसील हुई है, तब से हम लोगों को बिजली और पानी की व्यवस्था तहसील सगड़ी से मिलती है। इन्होंने बिजली कटवा दिया। एक दिन किसी मेरे मित्र ने बताया कि शौचालय घूम कर देख रहे थे ताला बंद करवाने के लिए। क्या क्या इनका बर्दाश्त किया जाए? इनके मातहत जो हैं, एक इनके फौजदारी बाबू हैं यहाँ संजेश्वर सिंह,
ये कहते हैं कि एसडीएम साहब मना किए हैं आपको जेल जाना है, और जब मुवक्किल डर जाता है उनके पैर पर गिरता है। सर लगातार जो है कि सगड़ी के जो अधिवक्ता हैं वो आपके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भी बातचीत करना चाहें, यदि बार एसोसिएशन से जो लोग आना चाहें वो आकर अपनी बात कर सकते हैं, बातचीत से मुद्दे का हल निकाला जा सकता है, बातचीत ही अंत में जो है किसी भी समस्या का हल है। सर उन लोगों का एक आरोप आपके ऊपर ऐसा भी कि जो कि गांव में जाते हैं और बिना अधिवक्ता बिना किसी के कहे जो कि जो लोग होते हैं उनका जो कि मुकदमा हल कर देते हैं देखकर? नहीं देखिए, मैं कभी भी बिना पक्षों को सुने कोई निर्णय नहीं लिया है, हमेशा पक्षों को सुना जाता है, उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद मौका देखने के बाद, क्योंकि मौके पर जाने से वास्तविकता उसकी पता लग जाती है, मौका देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाते हैं तदुपरांत ही आदेश दिया जाता है। तो सर आप जो कि इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो मैं पहले भी दिया था कि न्यायालय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वादकारी जो हैं बहुत दूर से लोग आते हैं, तो यदि बातचीत से इसका हल निकाल के न्यायालय को सुचारू रूप से चलाएं ताकि वादकारियों का जो है हित बना रहे और अधिक से अधिक जो है हम समयबद्ध तरीके से वादों का निस्तारण कर सकें। खबर आजमगढ़ से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अग्रसेन डिग्री कॉलेज में युवा मतदाताओं को जोड़ने व मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलेगा। एसडीएम सदर जीआर चौधरी ने सभी युवाओं से अपील की है कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें। कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राएं व युवा मौजूद थे। TV20 न्यूज संवाददाता को एसडीएम जीआर चौधरी ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आज अग्रसेन महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता और युवा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में ऐड किए जाने के उद्देश्य से ECI की गाइडलाइंस के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ मतदाता जागरूकता का एक मीटिंग्स किया है, जिसमें हमने 18 साल हो रही जितनी भी बच्चियाँ हैं छात्राएं हैं उनका नाम ऐड करने के लिए एक अभियान चलाया है। हमारे यहाँ पर आज BLO और नायब तहसीलदार पूरी टीम राजस्व की टीम उपलब्ध है। जिन लोगों के पास फॉर्म नहीं थे उनको फॉर्म दे दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया है। सभी लोगों को सारे ऐप्स बता दिए गए हैं ताकि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को ऐड करें। और जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का मोटो है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, और उसके उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ मतदाता जागरूकता किया है, बहुत सफल रहा है और बहुत सारे हम लोगों ने फॉर्म्स बांटे हैं। और मुझे आशा है कि जो हमारा आजमगढ़ में जेंडर रेशियो में डिफ्रेंसेस चल रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। वो टोल फ्री नंबर भी है सर जानकारी के लिए? 1950 भारत निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कोई भी सेवाएं ले सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए बता दिया गया है। वोटर हेल्पलाइन सभी भारतीय लोगों के लिए है, वो उसके माध्यम से प्रत्येक एक मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन से अधिकतम 10 व्यक्तियों का नाम इसमें ऐड किया जा सकता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस की रणबांकुरों की टीम पूरे शहर में से लेकर हर विधानसभा में पदयात्रा निकालकर युवाओं को जागरूक कर रही है। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने TV20 न्यूज संवाददाताओं को बताया कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर असफल है और जो वादे किए थे सब झूठे हैं। यह कार्यक्रम 14 नवंबर से शुरू है और 24 नवंबर तक सभी विधानसभाओं में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रवीण सिंह ने बताया कि आज शहर भर में यह कार्यक्रम है और तकिया पर एक जनसभा भी है। आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। लगातार 14 तारीख से चल रही है पदयात्रा। का उद्देश्य है कि जो पूरे देश में महंगाई व्याप्त है, मतलब हर व्यक्ति पीड़ित है महंगाई से, किसान हो, बेरोजगार हो, घरेलू महिलाएं हो, मतलब हर व्यक्ति प्रभावित है, हर तरह की महंगाई है। और दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो तो और ज़्यादा महंगी हो गई। ऐसे में प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत 14 से 24 तारीख तक हम लोगों का सभी विधानसभाओं में पदयात्रा चल रही है। उसका उद्देश्य है कि जा करके जो प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता में आएगी तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं जो अभी आपने जिसका विजुअल आप लोगों ने लिया है लगभग जो है ये सारी प्रतिज्ञाओं को हम लोग घर घर वितरित भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि सरकार जिन मुद्दों के साथ आई थी, विपक्ष में रहते हुए जिस पर प्रहार करके आई थी, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। रोज़गार दे नहीं पा रही है, अपराध रोक नहीं पा रही है, हर मोर्चे पर फेल है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रही है। हम लोग मोहल्लों से गुजरते हुए आज हम लोग जैसे कि अभी रैदोपुर में घुसे हैं, उसके बाद काली चौरा होते हुए और एलवल होते हुए दलसिंगार मोहल्ले तक हम लोग जाएंगे और तकिया में एक नुक्कड़ सभा करेंगे और जन जन तक ये बताएंगे कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है।
और फर्जी मामलों को लेकर के, एक्सप्रेसवे कौन बनाया कौन नहीं बनाया इसको लेकर के बहस में पड़ी हुई है, अपना काम गिनाने में लगी हुई है। उसके पास काम गिनाने के लिए मात्र दो काम बचा हुआ है, एक शौचालय और दूसरा कि हम फ्री खाद्यान्न दे रहे हैं जो कि पहले से हो रहा है। इसके अलावा उनके पास कुछ अपना बचा नहीं जिसको बता सकें कि हमने किया है, यही हम लोग जा करके मोहल्ले गली कूचे में एक एक आदमी से मिल करके सबको बताएंगे। खबर आजमगढ़ से है जहां आज सिवली डे के अवसर पर सिवली पीजी नेशनल कॉलेज की एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में शिक्षाविद शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलाउद्दीन खान और मीडिया प्रभारी डॉक्टर वी के सिंह ने कहा कि महान शिक्षाविद अल्लामा सिवली नुमानी ने गुलाम भारत में 1883 में सिवली कॉलेज की स्थापना कर पूरब से शिक्षा का लौ चलाया था। सिवली कॉलेज हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता धर्मनिरपेक्षता तथा गंगा जमुनी भाईचारा का प्रतीक है। ज्ञात हो कि यह कॉलेज एशिया में एक अपना स्थान रखता है जहां की शिक्षा दीक्षा महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में फैली हुई है और यह कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका अदा किया था। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रुके थे। आपको सुनाते हैं कि कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलाउद्दीन खान ने क्या कुछ कहा। अलाउद्दीन खान सिवली कॉलेज में इसके डिपार्टमेंट का मेंबर हूं और ये जो प्रोग्राम आज सिवली डे इसका आज देश क्या आज देश हमारा पैगाम सेकुलर मिजाज का ध्यान रखते थे। उन्होंने कॉलेज जब कायम किया तो उस वक्त हिंदुस्तान का कोई बच्चा अंग्रेजों के सामने नेशनल लफ्ज़ का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं कर पाया। 1883 में अल्लामा सिवली ने इस स्कूल का नाम नेशनल स्कूल रखा। तो ऐसे सेकुलर मिजाज रखने वाले ऐसे नेशनलिस्ट आदमी की याद करना हमारा मकसद है और आजमगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने एजुकेशन के लिए कोशिश की उस कोशिश को याद किया जाए और वो जिस तरह का हिंदुस्तान चाहता था ऐसा हिंदुस्तान जहां पर भाईचारा हो, कौमी यकजहती हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, सांप्रदायिकता बिल्कुल खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल कर रहे, ये उनकी सोच थी। तो उनका पैगाम देने की कोशिश है और तलबा को उन्हें बताना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज की बुनियाद अल्लामा सिवली हमारे ने रखी, जिस कॉलेज की बुनियाद में नेशनलिज्म है, जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ बंधुत्व है, जहाँ पे भाईचारा है। यही वजह है कि पूरे आजमगढ़ के जो लड़के हैं जो तालिब इल्म हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा सिवली कॉलेज में ही दाखिला हो। और हमारा ये कॉलेज इतिहास से भी बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कों से ज़्यादा हिंदू लड़कों की तरफ ये हम फख्र करते हैं कि हमारे भाई जो हमारे बीच में रहते हैं वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उनसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है। इसी अच्छे रिश्ते को आज के बिगड़ते हुए समाज में हम फिर लाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर तस्वीर इस्लाम खां हैं जो सिवली एकेडमी के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वीसी भी हैं डॉक्टर अकबर मसूद साहब, शाहजहाँपुर और अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अनवर मसूद साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं। इसी तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इतिहास विभाग के चेयरमैन जो रिटायर हो चुके हैं और आजकल आईएस सेंटर फॉर हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशन स्टडीज़ के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं। तो चार मेहमान हमारे बाहर के हैं, बकिया आदमगढ़ के लोग हैं, यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ की सोसाइटी भी बहुत बेहतरीन है। शिक्षा के मैदान में शिवली ने जो योगदान दिया उसकी शक्ल सूरत सामने है आपके पास। सिवली नेशनल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के बराबर दर्जा रखता है, यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और यहाँ रिसर्च भी होती है और ये जो बीसी हमारे हैं वो यहीं के पढ़े हुए हैं। जो दूसरे मेहमान हैं अनवर मसूद यहीं से बीएससी कर रहे हैं और यहाँ के पढ़े हुए लोग सब एम्बेसडर भी हैं दूसरे मुल्क में, यहाँ के पढ़े हुए लोग दूसरी जगहों पर डायरेक्टर भी हैं। तो शिक्षा के मैदान में सबसे बड़ा योगदान तो सिवली नेशनल स्कूल है, इसके अलावा अलीगढ़ को एक अच्छी दिशा देने में भी उन्होंने कोशिश की। जामिया उस्मानिया जो हैदराबाद में है उसका पाठ्यक्रम कलपुरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों से पटा हुआ था और जगह जगह समाजवादियों का जुलूस अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के स्वागत के लिए घंटों खड़ा रहा। इस विजय रथ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विजय रथ यात्रा का स्वागत रामाश्री विश्वकर्मा के नेतृत्व में दारगंज विधानसभा में किया गया। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का तहे दिल से स्वागत किया और कहा कि 2022 विधानसभा में सपा सरकार बनेगी और 400 विधायक समाजवादी पार्टी के चुने जाएंगे। जनता ने यह दिखा दिया है कि भाजपा की यह सरकार किसानों गरीबों की विरोधी है।
दर्जनों सैकड़ों ये हजारों के तादाद में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने महबूब नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांति बनाओ होगा तो भैया बताया था लोगों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की स्वीकृति दी, इसका बजट पास किया, इसका भूमि अधिग्रहण कराया और टेंडर करके इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया। गोरखपुर के रहने वाले विनय वर्मा ने कहा है कि मुझसे आज अपने आप पर गर्व है कि मैं एक स्वर्णकार समाज के कुल में जन्म लिया, जहां मुझे अपने स्वर्णकार समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त है। वही हमारे सभी छोटे और बड़े वरिष्ठ स्वर्णकारों का पूरा प्यार और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, पर पूज्य वरिष्ठ जन हमारे छोटे अनुज व साथियों का साथ नहीं मिलता। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में स्वर्णकार समाज को जगाने के लिए आप सभी लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जो काम किया है, वह आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित जरूर होगा। रायबरेली जनपद के महाराजगंज राम जानकी मंदिर में जगदीप वर्मा स्वर्णकार व विजय शंकर स्वर्णकार के नेतृत्व में स्वर्णकारों के उत्थान में जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व प्रणाम करता हूँ। आजमगढ़ के अथरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्र के रामनाथ धनंजय महिला पीजी कॉलेज जगदीशपुर में लैपटॉप व स्मार्टफोन को लेकर विद्यालय की लड़कियों में काफी उत्साह है। वहीं विद्यालय प्रशासन द्वारा लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण के लिए विश्वविद्यालय से उपलब्ध जरूरी कागजात पूरा कर शासन को भेजे गए। बता दें कि दिसंबर में यूपी सरकार करेगी टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण, इसके लिए पहले से आवेदन शुरू हो गए हैं। सरकार ने स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण के लिए निर्धारित किए हैं कुछ मानक। सरकार की इस योजना को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह है। वही विद्यालय के प्रबंधक विजय तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। विश्वविद्यालय में 446 फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे, जिसका आधार से वेरीफाई करते हुए शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। वही विद्यालय में टोटल 810 छात्राएं पढ़ती है, शेष बचे लोगों का फॉर्म उपलब्ध होने पर उन्हें वेरीफाई कर भेज दिया जाएगा। ऐसा सुनाते हैं कि विद्यालय की छात्राओं ने क्या कुछ कहा। सर शिखा मिश्रा नाम। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? रामनाथ धनंजय स्मारक महिला। क्लास बताइए। बीए थर्ड ईयर। ये जो योगी सरकार लैपटॉप और टैबलेट देने के लिए कह रही है, आपने फॉर्म मिला आपको? यस सर। इसके बारे में बताइए, कैसे मिला, क्या क्या किया आपने? ये फॉर्म हम लोगों के हमारे विद्यालय द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, भराया गया है और मतलब सारे लोगों का फॉर्म सबमिट कर लिया गया है, स्कूल ने सबमिट कर लिया है और ये फॉर्म भराने के बाद हम लोगों को लैपटॉप मिलेगा, जिससे पढ़ाई में बहुत सहयोग होगा लैपटॉप का। संजना यादव। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? रामनाथ धनंजय महिला पीजी कॉलेज थर्ड ईयर। ये जो योगी सरकार द्वारा लैपटॉप की योजना है, इससे आपको कितना फायदा मिलेगा? सर अगर लैपटॉप हम लोग को मिल जाएगा तो बहुत ही पढ़ाई में सहयोग मिलेगा। तो आपकी तरफ से फॉर्म विद्यालय ने कैसे भरवाया, इसके बारे में बताइए। सर हमारे स्कूल से ही फॉर्म मिला है और उसको सबमिट भी कर दिया गया, उसे वेरीफाई भी कर दिया गया है। अगर लैपटॉप हम लोग को मिल जाता तो उससे हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। कितना फायदा मिलेगा? आप फाइनल ईयर की हैं, आगे आपको कितना लैपटॉप फायदा करेगा, इसके बताइए। सर बहुत कुछ फायदा करेगा, पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कटहछा गांव में बुधवार की रात्रि में जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनकाडी गांव की दलित बस्ती से बारात आई हुई थी कि द्वार पूजा के दौरान नाच गाना डीजे पर चल रहा था। इसी दौरान नाचने के विवाद को लेकर लड़की के चचेरे भाई विशाल पुत्र रामहित से डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर जमकर दोनों पक्षों में ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं। किसी ने जैनपुर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। जैनपुर पुलिस एवं 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया तो ग्रामीण पुलिस को भी नई बक्सर उनके साथ भी धक्का मुक्के की तस्वीरें देखने को मिली और ईंट पत्थर चलाने लगे, जिस पर पुलिस ने लाठी हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा, तब जाकर मामला किसी तरह से शांत हुआ। प्रसाद एक घंटों रुकी रही, जिस पर दोनों पक्षों के बुजुर्ग और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर पुलिस ने समझौता कराया, तब जाकर किसी तरह से शादी हो सकी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने गांव से तीन लोगों को हिरासत में घराती पक्ष से लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है, जबकि अभी किसी पक्ष की तहरीर कोतवाली में नहीं दी गई है, पर दोनों पक्ष समझौता करने पर बातचीत कर रहे हैं। और एक खबर बहराइच से है, जहां उपजिलाधिकारी तथा शासी अधिकारी दिनेश कुमार के आदेशानुसार नगर पंचायत प्रयागपुर द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। कार्तिक पूर्णिमा मेला को देखते हुए नगर पंचायत द्वारा विशेष सफाई अभियान मेला स्थल ताल बघेल फूलमती घाट पर चलाया गया। सुपरवाइजर सदानंद शुक्ला ने सफाई कर्मियों को लेकर नगर क्षेत्र के फूलमती घाट मेला स्थल ताल बघेल में सफाई कार्य कराया गया। कार्यालय सहायक जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए नगर पंचायत के मेला स्थल एवं घाट की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मौके पर कार्यालय कौशल त्रिपाठी मयंकर शुक्ला शेख शुक्ला अनुप शुक्ला संतोष कुमार आनंद सहित तमाम लोग कर्मचारी मौजूद रहे।
और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां कल रानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव किड्स जी प्री स्कूल गोरखनाथ मुंडा नियर आरटीओ ऑफिस के पास मनाया जाएगा। महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य व मीडिया प्रभारी भावना वर्मा ने TV20 न्यूज को बताया कि यह कार्यक्रम संगठन द्वारा पूर्व से निर्धारित है। इस कार्यक्रम में सठिया व ठेकमा ब्लॉक के चयनित पदाधिकारियों का अधिकार पत्र वितरण का कार्यक्रम भी निर्धारित है। दोनों शिक्षक नेत्रियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों एवं महामंत्रियों के साथ ही जनपद के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से चालू होगा और समापन तक चलता रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने विलेसा स्थित सीआई गोदाम में ईवीएम की चल रही फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिला पंचायत राज अधिकारी के अध्यक्ष से कुल 56 सफाई कर्मियों की ड्यूटी FLC में सहयोगित लगाई गई थी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उक्त सफाई कर्मियों को सीआई गोदाम पर उपस्थित होकर FLC कार्य हेतु अवमुक्त करा दिया गया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पाया गया कि FLC कार्य में बिना सूचना के कुल 17 सफाई कर्मी अनुपस्थित चल रहे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी ने उनको कारणतः नोटिस जारी किया है।